गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। आज सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ हो गया है, कुछ लोग नाश्ता भी कर चुके हैं, पर मेरा व्रत है आज तो मैं तो अभी चाय भी नहीं पी हूँ। अभी बाबू पानी लेके आ रहा है, मतलब साफ पानी आरो का, वहाँ से पानी लाता है दूसरे घर से पीने वाला, तो पानी आ चुका है। और आज हमारा देव बहुत काम किया है, एक काम कर दिया, अभी एक दो काम बाकी है, देखिए कब तक करता है। कब तक करोगे सफाई? हाँ, छत की सफाई करके आ रहा है, मेरा बहादुर बेटा है ये। हाथ धुलने गंदे हैं। ये जा रहा है हाथ धुलने, झाड़ू करके आया ना, ऊपर छत में साफ किया है, यहाँ छत पे भी चढ़ जाता है, हम नहीं चढ़ पाते हैं तो चढ़ के अपना किया है। अब मैं चल रही हूँ, पानी गर्म करूँगी और पीऊँगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। इसमें काली चाय बनाएंगी। इसमें क्या लगा है? 20 रुपए का है, 23 रुपए का, मतलब 45 रुपए किलो। गुड़ लेके आ रहा है, गुड़ नहीं था पानी पीने के लिए ना, दो हमको दो, गुड़ मंगाए हैं। गुड़ है पर साफ नहीं है, इससे पापा ऊपर निकाल निकाल के खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। अभी चाय देखिए सारे लोग पी लिए हैं। इसमें मटर भुना गया था, हरा मटर, उसको सारे खाए हैं। अब मैं अपने लिए चलूँ, कुछ तैयारी करूँ, चाय पानी, फिर खाने की मिलते हैं थोड़ी देर बाद। के लिए मैं हलवा बना रही हूँ, आज खाना नहीं रेडी हो पा रहा है, तो हलवा खा चला जाएगा, फिर उसके बाद देव टिफिन पहुँचा देगा संडे में। वैसे भी सुबह खाना नहीं खा के जाता, रोज कोई ना कोई लेके ही जाता है इसका खाना, तो आज देव है घर पे तो देव ही लेके जाएगा, कोई क्यों लेके जाएगा। इसको मस्त बना के दे दूँ, घी खत्म हो गया है मेरा, घी को सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, नहाना धोना पोछा झाड़ू एक साथ बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। हलवा मेरा बन चुका, यही दो खाते हैं वो लोग, मटर बना था बता नहीं, हरा मटर बना था तो सारे खाए हैं, लेकिन बना के दे देंगे, खा लेगा फिर चला जाएगा, आराम से खाना लेगा। दाल रखे हैं, दाल हो गई है, आज संडे है तो थोड़ा, अब इसका छुट्टी बुधवार को होता है, इनका रविवार का, पापा का, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेडी हो गया है, बाबू को दे दूँ। देखिए मैं फिर आज ही ले चुकी हूँ अपने काम धंधा को निवृत्त करके, खाना मेरा बन गया है, चावल दाल रोटी सब्जी, ये बाबू की टिफिन लग चुकी है, यहाँ रखी है, अभी उसको उसके कवर में लगाना है। बाबू चला गया है, देव जाएगा, देव देव के बाबा जाएंगे किचन का सामान लेने, तो उसी तरह से उसी मतलब उसी तभी उसको टिफिन भी दे दिया जाएगा। इधर आज फ्रिज की सफाई हुई है, फ्रिज की सफाई तो मतलब थोड़ा मोड़ा हमेशा ही कर लेते हैं, पर हुआ ये था कल की बिल्ली फ्रिज मेरा खोल के उसमें से दूध वगैरह सब गिरा दी थी, तो फिर से मुझको उसको साफ़ सुथरा करना पड़ा, और मतलब अच्छे से साफ़ करना पड़ा उसका, सब उधर लगा के रखे हैं, उसके अंदर का जो पार्ट होता है ये देखिए इधर, ये सब इधर से पानी निकल जाए, जो फालतू पानी है इसमें का, ये सब। आज मेरा व्रत भी है तो टाइम अच्छा मिला है काम के लिए, और काम करके ही, और मुझे अब चाय बनाना है, ये मैंने धुल के रखा था ऊपर, तो मैं चाय बना लूँ अपने लिए, व्रत तो सारे पिए हैं, मैं काली चाय बना के पीती हूँ सुबह, तो मैं सुबह काली चाय पी थी, पर अभी दूध वाली नहीं, अब दूध वाली बनाने जा रहे हैं।
चाय बन गई। अब मैं वीडियो को फिर से बंद करूँगी क्योंकि अभी ये सब काम मेरा पड़ा ही है। ये जो जैसे आज तो सिर्फ छोटू तैयार हुए हैं, ये बैंगन कल मैंने कट करके रख लिया था आज के लिए, भूल दिमाग नहीं काम किया। फिर किसी ने बताया कि देखी हूँ, आई थी चाची बगल से, तो कहीं कैसे बैंगन बनाओगी, कल व्रत रहना है, तो मुझको याद आया तो बैंगन किनारे करके बाकी बना लिए हैं। इन सब काम को मुझको करना है, चाय पीना है, मिलते हैं फिर से कुछ काम फाइनल करके। देखिए आज मैं बाहर निकली हूँ अपने बेटा के साथ, वो आ रहा है बाइक से तेल डलवाने। ये हम लोग आए हैं यहीं तेल ड्रेस लेने, इसका स्कूल का पैंट ख़राब हो गया है तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इसका पैंट ले लिया जाए। तो देखते हैं रेडीमेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। फिर शाम हो गई है, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, उसके बाद फिर खाना दाना पी लगूँ, देखूँ क्या बनता है, क्या खाते हैं लोग, क्योंकि सुबह दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनी थी, अभी तो इस टाइम कुछ भी नहीं बना है, तो मुझको बनाना ही है। तो देखते हैं लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी टेंशन है ना कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो इस हिसाब से चलो देखिए किचन में चाय पानी ये वो। मैं कहीं गई थी, आ चुकी हूँ, कहीं क्या घर ही गए थे, बाबू का स्कूल का ड्रेस एकदम ख़राब हो चुका था बेचारा, ये लेने इसको लेके आए हैं, इसको लेके आए, इसको देखते हैं सिलवा दें। ये लिए हैं और एक ये अपने लिए लिए हैं, ब्लाउज का कपड़ा है। मेरा तो व्रत ही है, यही दो लोग तीन लोग खाने वाले हैं, देखते हैं क्या खाते हैं सब क्या नहीं खाते, देख लें उधर किचन में चल के फिर बात करते हैं। इसमें मूँगफली बोने गई थी, खा लिए हैं मूँगफली देव जी, लेकिन इसको हटाए नहीं, इसको फिर से एक बार साफ करें, फैला हुआ है फिर तो खाना की तैयारी, क्योंकि मूँगफली का कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे घर मूँगफली आए। देखे ऐसे खा खा के यहीं खा के रख दिया है, तो चलिए कुछ साग सब्जी काटे, उसके बाद गोभी गोभा है, ये है गोभी गोभा। वो भी काटना है, अभी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा छोटू से कि क्या खाएगा, क्योंकि उसको भी खाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा झंझट है, देव के खाने में नहीं लेकिन उसके खाने में झंझट है। आज ये साड़ी मैंने 1.5 साल 2 साल बाद पहनी है, क्या करें मन नहीं करता ना, कान में का 1.5 महीना से, क्या 1.5 महीने से ज़्यादा, छठ से ही निकाला है तब से नहीं पहना है, क्योंकि कान का होल बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। वैसे भी हमेशा नहीं पहनते थे, कभी कहीं जाना वाना होता था तब पहनते थे, नहीं ऐसे मेरा कान रहता है कि वो लटक जा रहा है पूरा, छीना जा रहा है इसकी वजह से। तो आज की ब्लॉगिंग बहुत बड़ी नहीं है, बस इतना ही है। मैं आप लोगों को फिर मिलती हूँ कल, कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है, काम भी ज़्यादा है, खाना दाना, और फिर देखते हैं अपने लिए भी कुछ सोचा, हो जाएगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही चाय पानी लेके सो जाना है। मूँगफली का दाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि मुझे दांत की प्रॉब्लम थी, इधर दांत सही चल रहा नहीं, उधर देखें कितने दांत में परेशानी थी, तो कुछ भी नहीं लिए हैं, सिर्फ चाय से ही हैं सुबह से, आगे भी ऐसे ही सोच रहे लें, क्योंकि आज रविवार है, नमक भी नहीं खाया जाता है, तो
नमक वाला कुछ जैसे वैसे होता है तो फलार वलार नमक डाल के कुछ बन जाता है। मीठा में क्या बनाए, साबूदाना है रखा है पर मन नहीं किया कि बनाए, इसकी वजह से कि मीठा मीठा फिर चक्कर उक्कर भी घुमटा उमटा भी आने लगता है ना, तो नहीं मैं बनाई हूँ। अकेले के लिए मन भी नहीं करता है, दो चार लोग होते हैं तो आदमी बनाता है खाता है। तो आज की ब्लॉगिंग बस यहीं तक है, मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग में, तब तक बाय।